मैं डॉक्टर हरि मोहन परवार परवार कलेक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपनी हस्ताक्षरों की दुनिया से एक ऐसा हस्ताक्षर लेके आया हूँ जो कि भारतीय राजनीति में वर्षों तक छाया रहा। उस शख्सियत का नाम है पंडित कमलापत त्रिपाठी। आप ये देख सकते हैं पंडित कमलापत त्रिपाठी को। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को वाराणसी में हुआ था और सेंट्रल हिंदू स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा की थी और काशी विद्यापीठ से शास्त्री एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। लगभग 2 वर्षों तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक रहा। इसके पश्चात 1973 से 1986 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 से 1977 तक रेल मंत्री भारत सरकार रहे। इसके पहले दैनिक आज और संसार अखबार के पत्रकार भी रहे। अखिल भारतीय किसान मजदूर वाहिनी की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी। हिंदी और संस्कृत के कई ग्रंथों की रचना की। गांधी दर्शन पर आधारित कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया। गांधी एंड ह्यूमैनिटी फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स की उन्होंने संरचना की और इतनी 1973 से 1977 तक जब वे रेल मंत्री भारत सरकार रहे तो उन्होंने वाराणसी को देश के तमाम जगहों से जोड़ दिया। यहाँ पर जो आप उनकी दस्तखत देख रहे हैं ये हिंदी में दस्तखत हैं जो कि लगते ऐसे हैं कि जैसे इंग्लिश में किए हों और ये बड़ा स्टाइलिश का बनाया हुआ है उन्होंने अपने दस्तखतों में। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1990 को वाराणसी में हुई थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सक्रिय सदस्य रहे। आपको हमारा ये ऑटोग्राफ्स कलेक्शन का यस एपिसोड कैसा लगा कृपया हमें बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल भी दबाइए जिससे कि हमारे आने वाले नए नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा की तरह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।